अस्सलाम वालेकुम। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में अनवील हो चुका है और इस मार्केट जो अनबॉक्सिंग वगैरह है वो भी रिवील हो चुकी है। टेक्नो स्पार गो 2024 का जो डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं कि इस फोन की रियर साइड पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया, जहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। उस फोन को जो बैक साइड है वो मैट डिज़ाइनिंग के साथ आता है। ये जो बैक साइड ये प्लास्टिक का दिया गया है, प्लास्टिक बैक के साथ आता है और मल्टीपल कलर्स में अनवील हो चुका है। व्हाइट कलर है, गोल्ड कलर है, स्किन कलर है और ब्लैक कलर में ये जो स्मार्टफोन है अनवील कर दिया गया। और ये स्मार्टफोन के बॉटम साइड पर टेक्नो स्पार की ब्रांडिंग दी गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्स की फ्लैट फ्रेम के साथ जो कि 8.6 mm थिक है और ये फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया और यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्टफोन काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट लुक के साथ आता है और टेक्नो स्पार 20C की तरह सिमिलर डिज़ाइन अपने साथ लेके आता है और मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्ट में दिया गया 6.6 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले जो कि 90Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ है और सेंटर पंचोल कैमरा दिया गया है। बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है और अप्रिशिएट करता हूँ कि इस प्राइस में आपने 90Hz का रिफ्रेश रेट और पंचोल कैमरा प्रोवाइड किया है, तो इस बात पे तो डेफिनेटली टेक्नो वालों को अप्रिशिएशन बनती है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो आपको जिस प्राइस में इसने आना है उस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये डिस्प्ले जस्टिफाई करता है और बेजल ऑप्शन में मुझे काफ़ी कंट्रोल लगे हैं। बाकी आप इस डिस्प्ले के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्ट में दिया गया यूनो एसओसी टाइगर T606 का प्रोसेसर जो कि 12 nm पर बेस्ड है और माली G57 का GPU दिया गया है। स्मार्टफोन 3/64, 4/64 और 4/128 GB वाले वेरियंट में आता है। EWMC का स्टोर टाइप है। एंड्रॉयड 13 के साथ iOS 13 का वर्जन मिलता है और यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का गो एडिशन दिया गया है। मुकम्मल फुल फ्लेज वर्जन है क्योंकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए जो UI है उसको ज़्यादा इजीली हैंडल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है वो डिसेंट है, गुजारे लायक है और अंडर 25K में ये जो स्मार्टफोन है जस्टिफाई करेगा क्योंकि आपको इस प्राइस में सिमिलर स्पेक्स वाला स्मार्टफोन स्मार्टफोन ऑलरेडी मिल रहा है। तो आई थिंक इस स्मार्टफोन को भी इसी प्राइस में अनवील करना चाहिए विद मोर रैम एंड बेटर स्टोरेज। लाइन रेट की बात तो ये स्मार्टफोन आपको इसी महीने के एंड में देखने को मिल सकता है, अगर कुछ सोर्सेज की बात करूँ, नहीं तो फिर जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्ट की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेन कैमरा 13 MP का दिया गया है F1.9 aperture के साथ। एक जो है वो फालतू का सेंसर दिया गया है जबकि फ्रंट पर सेंटर पंचोल कैमरा में 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन फुल HD+ पे रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 fps पे रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। और रेजोल्यूशन की अगर बात हो तो यहाँ पर आपको पता है कि गुजार लाइक कैमराज होंगे तो आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है फ्रंट की या रियर की वो काफ़ी आर्डनरी होगी, गुजारे लाइक होगी, तो ज़्यादा तो को आता अब नहीं रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्नो स्पार गो 2024 स्मार्ट में 5000 mAh की बैटरी दी गई है और ये स्मार्टफोन नॉर्मल वाट की चार्ज के साथ आता है। Type-C port 3.5 mm ऑडियो जैक और ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग 18 होनी चाहिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। बहरहाल अगर स्मार्टफोन पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये स्मार्टफोन जो प्राइस मैंने प्रेडिक्ट किए उस हिसाब से जस्टिफाई ज़रूर करता है। बाकी जब अनवील होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।